नमस्ते, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस सीजन की बहुत ही लजीज चीज, जो कि है कटहल। कटहल की एक रेसिपी श्रिंप के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं इसे बनाने की विधि। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें आलूओं को फ्राई कर लूँगी। आलूओं को मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइजेस में कट कर लिया है और इसे अब मैं नमक और हल्दी के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करके अलग से रख दूँगी। और सेम ऑयल पे अब मैं फ्राई कर रही हूँ पहले से नमक हल्दी से मैरिनेट किया हुआ श्रिम्प। श्रिम्प को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, वरना ये बहुत ज़्यादा च्यूई हो जाएगी। तो इसे हल्का फ्राई कीजिए, देखिए ऐसी गोल्डन एक कलर आने तक इसे फ्राई कीजिए। इसके बाद मैं इसे हटा लूँगी ऑयल से। अब मैं सेम कढ़ाई पे थोड़ी सी और ऑयल डाल लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी, 2 से 3 इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैं नमक के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं प्याज को फ्राई करूँगी। तो देखिए प्याज में अब बहुत ही एक अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ टमाटर, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 6 कली लहसुन और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा एक साथ पानी के साथ में ब्लेंड कर लिया था। इसे अब मैं प्याज के साथ में अच्छी तरीके से भून लूँगी। और इस स्टेज पर मैं मिला रही हूँ स्वाद के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अभी इन मसालों को भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से भून लूंगी। अब मैं यहाँ पे मिला रही हूँ 1 टीस्पून जैगरी पाउडर। मैंने बाद में और भी 2 टीस्पून मिलाए थे। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी शुगर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ पानी। पानी के बाद मैं यहाँ पे मिला रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी इन सभी को अच्छी तरीके से थोड़ी देर भूनने के बाद मैं यहाँ पे मिला रही हूँ कटहल। कटहल को मैंने प्रेशर कुक कर लिया था, मतलब बस एक ही सीटी लगाई थी मैंने। तो अभी ये लगभग 60% तक कुक्ड है। तो अभी मैं कटहल को मसाले के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ फ्राइड पटेटो। फ्राइड पटेटो और कटहल को एक साथ में काफ़ी देर तक अच्छी तरीके से भूनिए, ताकि सारी मसाले की फ्लेवर्स इसमें अच्छी तरीके से, मतलब कटहल में अच्छी तरीके से आ जाए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है बहुत देर तक। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ गरम पानी और पानी में एक उबाल आने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ पहले से फ्राइड श्रिम्प। इसके बाद मैंने इसे लगभग 5 मिनट के लिए पका लिया था। इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ 1 टीस्पून घी और तकरीबन 1.5 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर। अभी इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी 15 मिनट्स के लिए। तो देखिए 15 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी कलर कितनी अच्छी आई है। तो अब मेरी सब्ज़ी पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कटहल की सीज़न बहुत ही थोड़ी दिन के लिए आती है। तो इस सीज़न पे इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।